गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आज आप सब लोग। आज हम पार्ट टू करेंगे मिरर एक्सरसाइजेस का। अगर आपको ये मिरर एक्सरसाइजेस या फिर मेरी बातें, मेरे एफर्मेशंस जरा भी हेल्प कर रहे हो या आपकी मदद हो रही है कहीं से, तो फिर आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा अगला वीडियो भी जल्दी ही मिल जाए और आप आगे बढ़ते जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। तो चलो हम शुरू करते हैं सेकंड एक्सरसाइज से, यानी कि पहले मैंने आपको बताया था, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, मेरा फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो में हम ये बात करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हमारा पास्ट हमें छोड़ता नहीं है, यानी कि हमारे पास्ट के जो दुख हैं, हमने जो जिए हैं, या फिर हमारा खुद का कोई गलती है, या हमने, हमारे साथ किसी ने कुछ किया है, वो हम कभी भूल नहीं पाते। किसी ने कोई बड़ी चीज़ होती है, कभी कोई छोटी भी चीज़ होती है, किसी ने कुछ बोल दिया, या कभी कुछ भी होता है। तो सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी है अपने आप के साथ भी और दूसरों के साथ भी, कि हम कभी कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। यानी दूसरों की बात तो अलग है, जब हम दूसरों को माफ़ करें या नहीं करें, कभी कभी हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते कि हमने ऐसी गलती हमारे साथ होने कैसे दी, यानी कि हम क्या कर रहे थे, क्यों हमें इतनी अक्ल नहीं थी कि हम इस बात को स्टॉप कर पाए, यानी कि हम इस बात को रोक क्यों नहीं पाए, इसीलिए हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। तो इसके लिए भी मिरर एक्सरसाइजेस बहुत कारगर हैं और बहुत आपको हेल्प करेगी इसमें। तो सबसे पहले ये, इसका कोई टाइमिंग नहीं है इस मिरर एक्सरसाइज का, ये जो फॉरगिवनेस की एक्सरसाइज मैं आपको सिखा रही हूँ, यानी कि इसका कोई ये नहीं है, जब भी आप शांत मन से हो या फिर आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो तभी भी आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, कभी भी आप कर सकते हो। मगर आपको अकेले रहना है और आपको एक मिरर चाहिए और अपने आप का साथ चाहिए बस। तो सबसे पहले आप ये मिरर एक्सरसाइज करने के पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि आपको किस चीज़ के लिए करना है। ये हमेशा एक या दो चीज़ के लिए ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, एक साथ में बहुत सारी चीज़ों के लिए मत करनी, क्योंकि वो आप थक जाएंगे और आप कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक ही चीज़ लेंगे, कोई भी बात हो, जैसे यू नो कि आपको एक सिंपल बात लेती हूँ, बड़ी बातें भी होती है मगर यहाँ मैं एक एग्जांपल की तरह आपको समझाती हूँ, कि जैसे कि हमें किसी ने कुछ कह दिया था, कोई झगड़ा हुआ था जिसे हम रोक नहीं पाए थे, जिससे हमारा कोई नुकसान हो गया हो, या हम कोई बात भूल नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें पहले तो वो बात याद कर लेनी है कि हमको क्यों दुख हो रहा है उसकी वजह से, क्या हम उसे भुलाना चाहते हैं, और कैसे हम अपने आप को फॉरगिव करें उस बात में। तो आप मिरर के सामने आप जाइएगा और अपने आप को देखना है सबसे पहले। तो हम मिरर से इतने डरते क्यों हैं, सभी लोग मिरर से प्यार नहीं करते हैं, यानी कि क्योंकि मिरर हमेशा सच बताता है, कभी कुछ छुपाता नहीं है, और इसीलिए हम सभी लोग मिरर के सामने खड़े रहने से डरते हैं, और मिरर के सामने कुछ नहीं छुपा है। तो ये मिरर एक्सरसाइज सीधे हमारे अंदर जाती है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पूरा, मतलब वहाँ तक वो बात पहुँचती है। तो जब हम अपनी आँखों में खुद ही अपने आँखें डाल के, यानी कि आप ये सोचिए, जब हम खुद से बात करते हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। ये मिरर एक्सरसाइज में आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको वो बात याद करनी है, और फिर आपको अपने आप से आँखों में आँखें डालकर ये कहना है कि मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ, यानी कि अपने आप को, दूसरे को नहीं। मगर क्या है कि हमने क्या किया, हमने क्यों नहीं अपने आप को माफ़ किया कि हम नहीं इसे स्टॉप कर पाए, या फिर हम इसे रोक नहीं पाए, क्यों नहीं रोक पाए, तो इसकी वजह से हम आज तक दुखी हैं। उस दुख को मिटाने के लिए या फिर उस दुख का बर्डन आगे तक ना ले जाने के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी है। तो हम मिरर में देखेंगे और उस बात को याद करके कहेंगे कि नहीं, हम अपने आप को माफ़ करते हैं, हमें उस समय इतनी समझ नहीं थी कि हम जो सही है वो कर पाते, और इसकी वजह से हमने नहीं किया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसीलिए मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, या मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ। इससे
आप रिपीट कीजिएगा जब तक आपको ऐसा लगे, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है इसमें कि आपकी आंखों में से आंसू आ जाएं, मगर आप ये कहिएगा और दिल से कहिएगा और अपने आप को ये बात समझाइएगा कि नहीं, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं था। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे और धीरे धीरे हो सकता है कि आप एक ही बात के लिए थोड़े दिन इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं, यानी कि मे बी एक हफ्ता या दो चार दिन, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि नहीं अब मेरे आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं और अब मैं अपने आप को माफ़ करने में सक्षम हूँ, यानी कि मैं समझ गया हूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था या मेरा कोई दोष आगे भी नहीं है, क्यों मैं इसे याद रख के अपनी ज़िंदगी ख़राब करूँ, इसीलिए मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए और उस आदमी को भी या औरत को माफ़ कर देना चाहिए जो भी मेरे साथ हुआ उसके लिए। ये आप ज़रूर एक्सरसाइज करके देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इसका, मेरी ये 100% गारंटी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसके बाद कैसे लगता है। इस बात को मैं और भी डिटेल में बात करूँगी, मगर सबसे पहले हमें ये एक्सरसाइज करनी है, पहले मगर ये बात सोचनी है, मैं रिपीट करती हूँ कि आपको वो बात याद करनी है कि आपको क्या एग्जैक्टली बुरा लगा था और क्या आप अभी तक उस बारे में जो सोचते हैं उस बात को याद करके फिर वो बातें अपने आप से करनी है आपको मिरर में देखते हुए, यानी कि अपने आप को फॉरगिव करना है, अपने आप को माफ़ करना है और उसके बाद ही हम दूसरे को माफ़ कर पाएंगे। इसके लिए ये एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका रिजल्ट क्या है। अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें लग सकती हैं, इसीलिए आप कमेंट में मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और मैं जल्द ही यूट्यूब पे लाइव भी आऊँगी तो वहाँ पर भी हम इसके बारे में बात करेंगे और मैं क्वेश्चंस भी लूँगी आप सभी के, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। मैं जल्दी नेक्स्ट वीक आने वाली हूँ लाइव यूट्यूब पर, तो हम ज़रूर मिलेंगे और देखते रहिए, फॉलो करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। बी काइंड टू एवरीबॉडी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, आपने टाइम निकाला इतना मुझे देखने का सुनने का, बहुत बहुत आपका अच्छा रहे दिन। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।